सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महला पहला नानक निरभउ निरंकार होर किते राम रवाल कितिया कन कहानियां किते वेद विचार नानक निरभउ निरंकार होर किते राम रवाल कितिया कन कहानियां किते वेद विचार किते नचह मंगते गिड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावें राजे रानियां बुलें अस्पताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के विहार जित तन पाइए नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गलई टूंदी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत रुकम खुआर पौड़ी नजर करें जे अपनी ता नजरी सतगुरु पाया ए जियो बहुते जन्म प्रमया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जेबड़ दादा को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। परम सत्कार योग जुगों जुग अटल गुरगद्दी ते सिभाईवान सर्वसांझी बालता दे रहिबर नाम के जहाज हल पल दे रखक लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूर्ण मोहित मयातार अंतकूप महाभयान नानक पा उतार शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणा अंदर सुशोभित हो बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप बड़भागे हो अमृतमयी बाणी का रस भरना कीर्तन गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब आप जी नूं बड़े ही प्यार अदब सहित गुरबाणी का रस भरना कीर्तन सरवण करा रहे थे। इस तों उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आसा की वार की विचार के नाल आपां जताईए पावन पवित्र बचना की विचार मन सांझ पाउण तों पहलां आप सब गुरमुख जन मना नूं गुरचरणां विच एकाग्रत करो सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो
बड़े ही प्यार अदब सहित रस नी आवाज विच उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु सहित श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारविंद तो उच्चारण आसा की वार के चौथे शब्द की विचार आप आरंभ की है, जिदे विच पहले श्लोक की विचार आप जी कल प्रगट कर चुके हो। दूसरे श्लोक की विचार आरंभ है। सतगुरु पातशाह जी ने कल यह वचन किया कि जितों यह लड़ी अगे जुड़नी है। जो भय की गल की तो कह दिता हर जीव रबी भय उसके हुक्म है, उसके हुक्मों बाहर नहीं कोई चीज है। जो निर्भय की गल की उदो फिर एक रब की गल कर दी, रब निर्भय है, रब डर के नहीं है, रब भय विच नहीं है। तो कल की विचार आप इतनी छड़ी सी कि सगलिया भौ लिखिया सिरलेख नानक निर्भौ निरंकार सच एक। हर एक दे सिर ते भौ है, पर एक निरंकार ऐसा है जिहड़ा डर तो रहत है, भौ तो रहत है, वह निर्भौ है। होर हर दुनिया की हर चीज डर के अधीन है। ते जो अगला श्लोक सतगुरु पातशाह ने आरंभ किया फिर निर्भौ रब तो गल शुरू कर दी। सतगुरु जी के वचन नानक निर्भौ निरंकार होर केते राम रवार। इस धरती ते जे हर चीज डर के अधीन है ते एक निरंकार ऐसा है जिहड़ा भौ तो डर तो रहत है। यही कारण जिहदी सांझ निर्भौ नाल हो जाए वह भी भौ तो रहत हो जाता है। जिहदी सांझ निर्भौ निरंकार रब नाल हो जाए उन्हें भी फिर कोई दुनिया की ताकत डरा नहीं सकती। कभी देखो एक पासे हरनाकश का राज है, सिंघासन है, तख्त पूरे कायनात दे विच अपने नां दा उन्हें डंका बजाया होया, धन दौलत लाओ लश्कर खजाने किसी चीज की कमी नहीं सी। दूसरे पासे प्रहलाद दे कोल ते कोई राजभाग नहीं, कोई लाओ लश्कर नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि उहदे कोल ते शरीरक ताकत भी नहीं है, अजे छोटा बच्चा है वो। पर फिर भी एड्डी वड्डी सल्तनत दे बादशाह नाल टकरा गया। उसका कारण चल विकार नहीं है, क्योंकि निर्भौ दे नाल है, इस करके उसके भौ खत्म, भय खत्म हो गए। उसके प्रहलाद कोठे विच रखिया बाहर दिया ताला, निर्भौ बालक मूल ना डरे मेरे अंतर गुरु गोपाला। वह निर्भौ नाल जुड़ के निर्भौ हो गया। उन्हें साफ साफ कह दिता मुख कहां सतावो बार बार, प्रभ जल फल गिर किए पहाड़, इक राम न छोड़ो गुरे गाल, मुख घर जाल पम मारदार। जब निर्भौ की शरण में आया सारे डर भय खत्म हो गए। सिखा जो तू निर्भौ की शरण में आ जाए तेरे भी दुनियावी भय मुक जाने। डंडा डर उपजे डर जाई, डर में डर लिया समाई। जो रब का भौ मन च पैदा हो जाए दुनिया भी डर मुक जाते ने। डंडा डर उग जाए, रबी अदब रबी भौ पैदा हो जाए, डर जाई दुनिया भी डर खत्म हो जाते ने। ता डर में डर लिया समाई, उस रबी भौ च सारे डर च लुक जाते ने, उस रबी भौ च सारे खत्म हो जाते हैं। गुरु ने सानू वो एक मर्यादा एक हुक्म दिता जिदे विच सिख ने जीना है। रमैण की जो जंग देखते हैं ना, तो रमैण की जंग दे विच जिथों शुरुआत हुई, जदों लक्ष्मण सीता नू झोंपड़ी च इकली नू छड़ जान लगिया उन्हें एक लकीर खिंच दिती, तो झोंपड़ी के आले दुआले लकीर खिंच के कह दिता ए मां सीते यह है लक्ष्मण रेखा, ये अंदर रहेगी सुखी रहेगी, इस
लक्ष्मण रेखा नूं पार करेंगी फिर तेरी रखवाली दा मेरे सिर जिम्मा नहीं होएगा। इन्ना कह लक्ष्मण चला गया। सीता ने जदों उस लक्ष्मण रेखा नूं पार कीता रामायण की जंग का मुढ़ उस दिन ही बज गया। गुरु ने भी एक कृपा की सिखा मैं भी तुम एक रेखा दे के चलिया पर यह लक्ष्मण रेखा नहीं है यह राम रेखा है। लक्ष्मण रेखा दे अंदर भावें कोई मनुख पशु ना जा सके पर उस लक्ष्मण रेखा दे अंदर सर्दी है गर्मी है बुढ़ापा है मौत है। जिहड़ी मैं तेरे आले दुआले राम रेखा खिंच के चलिया इस रेखा दे अंदर साह लैण जिन्नी हवा तो बिना तप्ती वाह का झोला भी नहीं आ सकता। एक ऐसी रेखा है ऐसी कार है कार मैंने रेखा ताती वाओ ना ला गई पार ब्रह्म शरण आई चौ गिरत हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। गुरु ने साडे आले दुआले एक राम कार राम रेखा खिंच दिती जिहदे नाल तप्ती वाह का झोला भी सानू सता ना सके डर पैदा ही ना होवे ते ओ राम कार है कि लक्ष्मण रेखा सी एक मर्यादा एक नियम दे के गया वह एक सिद्धांत दे के गया जिस दिन मर्यादा की लकीर तो बाहर आ जाएगी तेरी रखवाली का जिम्मा नहीं रहेगा। गुरु ने रामकार दिती एक मर्यादा की लकीर दे दिती सिखा रब्बी भौ च रहेगा दुनिया भी डर नहीं सतानगे रब्बी मर्यादा विच रहेगा तत्ती वाह तेनू पो नहीं सकेगी। हां जिस दिन रब्बी मर्यादा तो गुरु के हुक्मां तो बाहर चला जाएगा मैं भी तेरे से भरोसा नहीं करांगा मैं भी तेरी रखवाली नहीं करांगा बस इन्ना करी कार अंदर रही ताती वाओ ना लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। गुरु ने आले दुआले साडी एक मर्यादा की लकीर खिंच दिती एक सिद्धांत की रहत की लकीर खिंच दिती जिस दिन मर्यादा विच रहेगा तत्ती वाह भी तेन पो नहीं सकेगी। हां जिस दिन गुरु की मर्यादा छड के अपनी मत अनुसार बाहर चला जाएगा फिर दर दर भटकद ही फिरेगा। सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे जिस दिन अपनी मर्जी करन लग जाएगा मर्यादा की लकीर तो बाहर हो जाएगा गुरु तो विछड़ के दर दर से भटकदा फिरेगा। अज साडी कौम की यह हालत है गुरु तो विछड़े दर दर भटकते फिरदे आ जेड़े गुरमुख मर्यादा की लकीर अंदर ने वह फिर गुरु नाल जुड़ के आत्मक आनंद माणदे ने निर्भउ नाल जुड़िया भउ डर मुक जाते ने निर्भउ जपै सगल भउ मिटै निर्भउ है एक निरंकार नानक निर्भउ निरंकार होर केते राम रवाल। जदों आसा दी वार दी विचार करो ते एहो जे वचन आण के मन हैरान रह जाता है और सुनन वास्ते भी बड़ा जिगरा चाहिए क्योंकि सतगुरु पातशाह दी बाणी ने सिर्फ एक सच्चे निरंकार की सिफत की चमड़ी के पुतले की नहीं। यही कारण जो निर्भयता की गल की तो कह दिता रब निर्भउ है रब निर्भउ तो बिना अनेक जीव ऐसे ने जिहड़े भउ च जिंदगी बतीत कर गए। पुछे कौन ते छोटे मोटे आम की गल नहीं की नानक निर्भउ निरंकार होर केते राम रवाल केते मैंने किन्ने ही राम मैंने रामचंद्र जी वर्गे ते रवाल का अर्थ है धूड़। मेरा निरंकार सच्चा इन्ना महान निर्भउ है ओदे सामने अनेक ही रामचंद्र मेरे पिता परमेश्वर अकाल पुरख के चरणों के धूड़ समान ने तुच्छ ने होर केते राम रवाल केतियां कल कहानियां गल की जिहदा जन्म होया वह मौत दे अधीन है ते मौत सब तो वड्डा भय है मौत सब तो वड्डा भय ते मौत तो इलावा जिंदगी दे विच विछोड़ा हो जाए ता दुख रोग आ जाए ता दुख पेट नूं रोटी ना मिले भुखा होवे ता दुख दुख एक नहीं अनेक दुख ने जिस दुख विच मनुख डर डर जीउंदा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख शक्त वार जम दूत एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोला दारू लाए बिछोड़ा दुख है
भुख भी एक दुख है, मौत दुख है। श्री रामचंद्र राजपाल तो विछोड़ा होया, पत्नी सीता तो विछोड़ा होया, स्वभाविक दुख पैदा हो गया, स्वभाविक जिंदगी में दुख आ गया। मन में चूरे रामचंद्र सीता लक्ष्मण जोग, हर मंत्र आराध्या आया कर संजोग। कह लगे इतने भी दुख पैदा हो गया, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण से सीता दे नालों विछोड़ा हो गया, सीता दे नालों विछोड़ा दुख है। राज पाद छड़ के जंगल दे विच भुखे रहना बड़ा बड़ा दुख है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने एक बचन किया बाणी विच, और आम मनुख की गल नहीं की, जिहड़े वड्डे वड्डे राजे होए, वड्डे वड्डे विद्वान पंडित होए, वड्डे वड्डे पीर पैगंबर अवतार होए, उन्हां दी गल कीती। कहन लगे रब ऐसा निर्भउ है, ऐसा आनंदित है, जिहदे सामने हर पीर पैगंबर अवतार दुख विच जिंदगी नूं बतीत कर गया। गल की डरदा मनुख दुख तों है, ते जिद्दर दुख आ जांदा अखां च रोणा आ जांदा है। इत्थे ते वड्डे वड्डे पीर पैगंबर अवतार रो रो के जांदे रहे। सहंसर दान से इंद्र रोवाया, जिन्हों आखते ने कि वैकुंठ का स्वर्ग का राज है, जेड़ा स्वर्ग का मालक होवे उहदियां अखां च हंझू आ जाण। ते लगे दुख नहीं ते होर की है। सहंसर दान से इंद्र रोवाया, परसराम रोवे कर आया, अजय तो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। अजय वर्गे राजे कहन लगे ओ भी रोंदे गए, परसराम वर्गे रोंदे गए, अजय सो रोवे भिख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। श्री रामचंद्र कहन लगे निकालना प्यार, राज भाग छड़ के जंगल च रहना पिया, बड़ा बड़ा दुख है। सीता दा विछोड़ा हो जाना बड़ा बड़ा दुख है। वो मना दुखां तो निर्भउ केवल एक रब है, नानक निर्भउ निरंकार होर किते राम रवाव। रोवे राम निकलना पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवे दहसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू आए। कहन लगे बड़े मान ताकत दा हंकार करन वाला दहसर रावण आखर वो भी रोंदा कूच कर गया, वो भी रोंदा चला गया। दशहरा नेड़े शायद आ रहे जां लंघ गए, शायद कल नूं ते उहदी जिंदगी भी इसी तरह ही गुजर गई। कहन लगे रोवे दहसर लंक गवाए, जिहड़ा आखदा सी मेरे हुक्म तो बिना कोई मेरी लंका च दाखल नहीं हो सकता, जिहनूं असीं वीजा सिस्टम कह दईए, बिना मेरे देखे बिना मेरे कहे कोई मेरे राज भाग विच दाखल नहीं हो सकता। ओ रावण बादशाह, कि जिन्ना चिर मैं ना कहां मेरे सोने दे गले नूं देख कोई नहीं सकता, या ही गढ़ को निशंक को ना देख सके, आज्ञा को मान सभी शीश को झुकाव दे। लगे जिस गढ़ नूं मेरे हुक्म तो बिना कोई झाती नहीं मार सकता, समुंदर टप के मेरे राज भाग विच आना होवे मेरे तो हुक्म लेना पड़ेगा, या ही गढ़ को निशंक को ना देख सके, आज्ञा को मान सभी शीश को झुकाव दे, या ही को बुलावत सुहावत सुसंस मान, बिना मेरे देखे ढिग बैठनों ना पावते। कहन लगे ओ लोग जिन्हां नूं रावण सद्दा दे देवे ना भी मेरी लंका देख लो, बड़ा माण महसूस करदे सी सोने दा राज भाग देखण चले आ, ते उहदे दरबार विच जिन्ना चिर हुक्म ना करे कोई बैठन दी जरूरत नहीं सी करदा। जिहड़ा बैठ गया जिन्ना चिर रावण हुक्म ना करे उठण दी जरूरत नहीं सी करदा। यही को बुलावत सुहावत सुसंस मान, बिना मेरे कहे ढिग बैठनों ना पावते। सातो पौर नागे पाव, ठंडे राज द्वार न्यारो न्यारो अपने जुहार को पचावते। कहन लगे सत्तां दरवाजियां ते महल दे दरबार दे सत्तां दरवाजियां ते राजे वड्डे वड्डे तोहफे लैके खड़े ने। सेवादारां नूं आखदे ने अंदर पहुंचा दिओ, रावण नूं दस दिओ कि फलाणे देश दा राजा देख गया। सातो पौर नागे पाव, ठंडे रहे राज न्यारो न्यारो अपने जुहार को पचावते। यही गढ़ को आज बंदर रीछ उजारत है, बिना सभी दिन एक से न देखे मन पावते। क्योंकि उससे राजपाल बंदर रीछ उजारते फिरते ने पाव जामवंत ते हनुमान आदिक। यही गढ़ को बंदर रीछ उजारत है, सभी दिन एक से न देखे मन पावते। ओ दहसिर जिन्हें बस एक गलती की, मूर्ख रावण क्या ने गया, अख रोंदा झूरदा पछतावा करदा दुनिया तो कूच कर गया। रोवे दहसिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू वाए। रोवे पांडव भय मजूर,
जिनके स्वामी रहत हदूर कहे पेंडल भी रुंदे ने रात भाव छड़ के बनवास भी कटिया नाले एक साल का बनवास गुप्त भी बनवास है उदे विच जिदे विच मजदूरी करके उन्होंने साल बतीत करना पिया मजदूरी की नौकर वांगू बरते रोवै पांडव पए मजूर जिनके स्वामी रहत हजूर रोवै जनमेजा खोए गया एही कारण पापी भया रोवै शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ कह लगे वड्डे वड्डे शेख मसायक धरनी बंदे वह भी रोए मता पता नहीं मौत अंतले समय किदां दी आवे मौत किन्नी कुतड़फा के सानू खत्म करे मौत दा भयानक चेहरा देख के वड्डे वड्डे मशायक भी डोल गए आखिर मौत दे सामने ते हर एक नूं झुकना पैंदा है ना एक निरंकार है जिहड़ा मौत तो परे है नहीं ते जिहदा जन्म होया मौत दे अधीन वड्डे वड्डे मशायक मैनू मार धाता ते दलीप पृथु रघु अज दशरथ पूत रावण राम दे दली है मारकंड लोमस अगस्त दुर्भाषा ऋषि कौष्टक विशिष्ट व्यास कथा जाकी चली है जीवन मृगिंद जग जग जो जनक जन जानत है जीवन मृगिंद जोगी जनक जग जानत है गोरख के मुंडे मर दे खाक रली है काल मां बली हली चली मली गली गली हारे छली बली दाल कहू की न गली है इतने ते अनेक आए वड्डे वड्डे मसायक हार के तुरे उस मृगिंद ने बहुत वधिया बचन किया जीवन मृगिंद जग जोगी जनक जग जानत है गोरख के मुंडे मर दे खाक रली है काल मां बली हली चली मली गली गली हारे छली बली दाल कहू की न गली है मौत सामने वड्डे वड्डे मशायक रो पए रोमे शेख मशायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ इथो तक रोवे राजे कन पड़ाए घर घर मांगे टिख्या जाए ओ राजे जेडे राग भाग छड के धर्म वाले पासे तुरते पए पर जदों किसी दे दरवाजे खलो के हाथ अड के भिख्या मंगनी पई उन्हां दी अखां चों वी हंजू आ गए कदी राज भाग दे मालक सां धरती भर गए रोवै राजे कन पड़ाए जोगी बन गए जोग धारण कर बैठे कन पड़वा मुंदरा पा लईआं पर जदों इहो जे बादशाहां नूं किसी दे दरवाजे खलो के इक रोटी दा टुक मंगणा पैंदा रिहा अखां चों उन्हां दे वी हंजू आंदे रहे रोवै राजे कन पड़ाए घर घर मांगे भिख्या जाए रोवै किरपन संचय तर जाए ते कंजूस रोंदा जदों मरण लग्या सारा कुछ छड के जाणा पैंदा रोवै किरपन संचय तर जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए ज्ञानवान विद्वान पंडित जदों मत भ्रष्ट होई ज्ञान जांदा लग्या ओह वी तां मार रोंदे गए रोवै पंडित ज्ञान गवाए बाली रोवै नाहीं पतार स्त्री रोंदी है पति साथ छड गया सतगुरु कहन लगे भी गल ही मुकाओ नानक दुखिया सब संसार सारा जगत दुखां च घिरिया है पुछिया सुखी कौन है कहन लगे मन्ने नाओ सही जिण जाए औरी कर्म ना लिखा लाए जेडे रब दे परमेश्वर दे नाम नूं मन लैंदे ने ओह जिंदगी दी बाजी जित के जांदे ने रोंदे नहीं जांदे ओह उड़ीकदे ने कदों मालक दा सद्दा आए उहनूं जाके मिलिए कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद उहनां नूं मौत दा भय भी नहीं मौत दे भय भी खत्म हो गए ओह अविनाशी राया निरभउ संग तुम्हारे बत्ते ए डंद कहां ते आया उन्हें कह दिता भी जो सदे ने आना ही है हर घर आना है फिर असीस दियो मिलाप होवे संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसणिया जो होवे साहिब सियो मेल क्यों मौत का डर नहीं कहन के कादा डर घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन पुछया फिर की करिए कहन के सज्जन हारा सिमरिए नानक से देह आवन जाना ते है ही जेड़ा बुलंद है ना उन्हूं चेते कर ले कि उहदे नाल मिलाप हो जाए बिल्कुल ही भय नहीं मौत दे भय खत्म हो गए लोग आखदे ने मौत डाढ़ी बड़ी है फिर सतगुरु आखदा मौत डाढ़ी मेरा साहिब घट डड है मौत भी उन्हूं मार नहीं सकती जेड़ा निर्भउ नाल अमर अकाल नाल जुड़ जाए जिस दा साहिब डाढ़ा होए तिसनूं मार ना सके कोई साहिब की सेवक रह शरणाई आपे बख्शे दे वडियाई किसके ऊपर नहीं कोई कौन डरे डर किसका जी निरभउ मालक तो उच्चा है ही कोई नहीं मेरी निरभउ नाल सांझ बन गई फिर मेनू डरा कौन सकता है जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी तिनका भउ सब गवासी गल की हर मनुख उस अकाल निरभउ दे सामने तुच्छ है
जिन्हें भी दुख देख के जेड़ा भी डरिया दुख देख के जिदिया भी अखा च हंजू आए कह लगी वह तुच्छ हो गया निर्भो वर्गा निर्भो ना हो सकिया नानक निर्भो निरंकार हुर केते राम रवाल पत्नी बिछड़ गई रोना आ गया अख च हंजू आ गया कह लगे अनेक श्री रामचंद्र जी वर्गे अवतारी पुरुष भी रवाल मैंने मेरे परमेश्वर जी के चरणों की धूड़ ने केतियां कन कहानियां जे कन कहांगे फिर बन जाएगा शरीर का सुनने वाला अंग कन ते नन्ने दे पैर ते हलंत है कन कन मैंने कान मैंने कन कृष्ण केतियां कन कहानियां ते केतियां दा संबंध कहानियां नाल है भी कई कहानियां कृष्ण जी दियां कह लगे उन्हां दे मालक दे सामने हर कोई तुच्छ कह लगे कृष्ण दियां कहानियां रास लीलावां आखिर वह भी तुच्छ ने क्योंकि मेरे निर्भव तो वड्डा रब तो वड्डा कोई नहीं है बल्कि पंचम पातशाह जी ने भैरव राग विच कृपा की जदों इस अनजाण जे मनुख ने कृष्ण जी नूं उहदी जन्म अष्टमी ते छोटे बच्चे नूं पंगूड़े च पाया कह लगे वह वीर घट्टो घट अपने अवतारी पुरश की एडी बेदबी ना करा छोटे बच्चे नूं पंगूड़े च पाया कि अज कृष्ण जन्म अष्टमी अज असीं उहदा जन्म मना रहे हां पंगूड़े नूं चुलाया लोरी दित्ती की होया बच्चा रो पिया उदों आखदे ने देखो जी भगवान रो पिया नूं चुप कराओ सतगुरु कहण लगे उह जबान सड़ जाए जिहड़ी आखदी है भगवान रोंदा है बस उही ते कह जिहड़ा रोंदा नहीं दुनिया सारी रोंदी गई एक रब ही जिहड़ा रो नहीं रहा वह सदा ही सदा चित आनंद है जदों असीं किसी नूं लोरी दिंदे आ ना छोटे बच्चे नूं कृष्ण रूप विच जन्म अष्टमी ते सतगुरु कहण लगे लोरी देण वाला पिता बन गया भगवान दा ओ रब नूं अपना पुत्तर कहण वाले आ रब दा पिता बनण वाले आ रब नूं बच्चा बना के लोरी देण लग्या घट्टो घट तैनूं जरा भी लज्जा ना आई तेरी जबान ही सड़ जांदी जिहड़ा कहिंदा मैं भगवान नूं लोरी दे रहा सतगुरु ने बाणी च जिक्र कीता कहण लगे सगली थीत पास्तार राखी अस्तिम थीत गोविंद जन्मासी भरम भूले नर करत कचरायण जन्म मरण से रहत नारायण रब जन्म मौत तो परे है कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरै रे साकत तोर सगल अपराध देह लोरूनी मनो सारी अपराध कर ले जदो तू भगवान नु बच्चा कह के लोरी दित्ती रब दा प्यो बन गया सगल अपराध देह लोरूनी सो मुख जलो जित कै ठाकुर जोनी वह जीव सड़ जाए जिहड़ी जीव आखदी है रब जन्म लैंदा वह जन्म ना मरे ना आवे ना जाए नानक का प्रभ रिओ समाई वह जन्म मरना च नहीं पैंदा जिहदी जिंदगी च दुख आ गया संकट आ गया मुसीबत आ गई वह रब नहीं क्योंकि मेरा रब ऐसा है जिहड़ा संकट नहीं परे वह कदी मुसीबत च नहीं फसदा उहदी जिंदगी च दुख नहीं कदी आउंदे संकट नहीं पर है जोन नहीं आवे नाम निरंजन जाको रे कबीर को स्वामी आनंद बिनोदी जाके माई ना बापू रे उदी कोई मां नहीं उदा कोई पिता नहीं देख जिन्हों तू कहने भगवान दा पिता वासुदेव नंदन है जदों धरती आसमान कुछ भी नहीं सी उदों भगवान दा पिता वासु नंदन किथे रहिंदा सी तुम जो कहत हो नंद को नंदन का को रे तरन आकाश दसो दिश नाही तद ए नंद कहा थोरे कह लगी उदो भगवान का पिता कितने रहना सी जिदे धरती भी नहीं सी बनी नहीं एक अकाल पुरख ओ अजूनी है जड़ा थापिया ना जाए कीता ना होए ना तेनों स्थापित किया जा सकता है मूर्ति मान ना ही उन्हों पैदा किया जा सकता है एक निरंकार ऐसा जड़ा अजूनी है जोना तो परे है कह लगे इस परमात्मा अकाल पुरख तो बिना जिदा जन्म हो रहा है उसकी मौत निश्चित है नानक निर्भउ निरंकार हुर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते बेद विचार कह लगे किन्नियां भी कृष्ण जी दियां कहानियां उन्हां दियां रास लीलावां कोई पढ़ लवे सुन लवे कोई वेदां दी विचार कर लवे हुण इत्थों अगला सब्जेक्ट शुरू हो गया जिहदी अखीर ते गुरु नानक दा सिद्धांत है ज्ञान ना गल्ली टूटी है कि गल्लां दे नाल साडे कीते कर्मां नाल ज्ञान दा संबंध नहीं है कोई इशनान करके कवे मैं ज्ञानवान हो गया कह लगे नहीं कोई चुप करके बह जाए मोनी हो जाए कवे मैं ज्ञानवान हो गया कह लगे चुप का ज्ञान नाल संबंध नहीं
कोई बुखारे लगे वर्त रख लवे उहदा ज्ञान नाल संबंध नहीं। ज्ञान का संबंध कोई कृष्ण जी दीआं रास लीलावां दीआं कहानियां पढ़ ले उहदे नाल ज्ञान का संबंध नहीं। कोई वेदां दी विचार कर लवे उहदे नाल ज्ञान का संबंध नहीं। केतियां कन्न कहानियां केते वेद विचार भावें कोई किन्नियां वेदां दीआं विचारां कर लवे केते वेद विचार केते नचै मंगते जिड़ मुड़ पूरै ताल। कहन लगे कई अवतारी पुरशां दा स्वांग धार के नचन लग पैण जिवें कृष्ण जन्माष्टमी वेले रास धारीए कृष्ण दा स्वांग धार के नचदे ने, राम लीला वेले श्री रामचंद्र दा निवास धार के नाटक करदे ने। कहन लगे है वह मंगते रूप उहनां ने धारे ने अवतारा मर गए पर जदों अपना नाटक खत्म कर हटदे ने मुड़ के फिर बंदे बंदे कोल मंगना शुरू कर देंदे ने असीं नाटक कीता सानूं माया दिओ। कहन लगे घट्टो घट अवतारी पुरशां दी नकल करके बाद विच मंगता क्यों बढ़ जांदे केते नचै मंगते जिड़ मुड़ पूरे ताल। जिड़ मुड़ मैंने भौं भौं के परत परत के ताल पूरदे ने परत परत के धरमी उन्हां अवतारां दा रूप धार धार के। कहन लगे किते ते ओह बादशाह किते श्री रामचंद्र श्री कृष्ण कदी किते लक्ष्मण बन जांदे ने ते जदों नाटक स्वांग खत्म हुंदा है मुड़ के मंगते बन के फिर मंगणा शुरू कर दिंदे ने। किते नचै मंगते जिड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार। मानो जिवें कोई बाजारी रेहड़ी लाण वाला कहन लगे आ के बाजार दे विच रेहड़ी ला के बह जाए। कहन लगे इन्हां भी धर्म दे नाल दुकानां खड़ियां कर दित्तियां। इतने प्रोफेसर साहब सिंह होर ने अर्थ किए ने बाजारी बाजार में आए कटे बाजार जिवें रास धारीए अनेक पुरशां का रूप धार के रास पाते ने समान धरते ने पर अखीर की हुंदे। कहन लगे गावे राजे राणिया बुने आल पता। कहन लगे राजे महाराजा का रूप धार के गायन करते ने आल पताल बोलते ने तब अपने आप नूं अवतारी राजे साबित करके मुड़ के फिर मंगते ने मंगते ने बोले आल पताल मैंने ऊल जरूल गल्लां करदे ने। वैसे आल दा अर्थ हुंदा आकाश। असीं जदों पढ़दे हां भगत नामदेव दा वचन आला वंती ए भ्रम जो है आला मैंने आकाश पताल मैंने डूंघाई अत दर्जे दी। कहन लगे ये गल्लां करदे ने आकाश पताल नूं मिलाण वालियां जिहड़े कदी नहीं मिल सकदे ओह फजूल दीआं गल्लां जिन्हां दी तुक कोई नहीं बणदी जिन्हां दा मतलब कोई नहीं निकलदा। केते नचै मंगते गिड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे राणियां बुने आल पताल लख टकियां के मुद्रे लख टकियां के हार। अवतारी पुरशां दा स्वाग धरन वास्ते लखां टकियां दे कन्नां च मुंदरे भी पा ले गलां च हार भी पा ले पर इह नहीं पता जित तन पाईए नानका से तन होवे छा। उन्हां हारां मुंदरियां ने ते स्वाह होना ही है जिस तन ने पाया उस तन ने भी सदा नहीं रहना अखरूर ने भी स्वाह हो जाना। उन्हां हारां मुंदरियां ने सोने चांदी के गहनियां ने ते सदा नहीं रहना आखिर इस मंगते के गलों बाद च ला ले जाने ने जदों नाटक रास खत्म होनी है उदों गुणों सारे गहने ला ले जाणगे गहने ते गए इह तन भी सदा नहीं इहने भी मिट्टी हो जाणा है। लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाईए नानका से तन होवै छार। जिस तन ते सोने चांदी दे गहने आउंदे ने कह लगे उह शरीर भी स्वाह हो जांदे ने। ज्ञान ना गल्लां ढूंढी है कथना करदा सार ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਲਵੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ऐसे भी आन के जेड़े कहणगे सतगुरु मेरी लख रुपए की लाटरी कढ दे मैं सवा रुपए के पताखे चढ़ावांगा। पहला मेरी लख की लाटरी कढ मुड़ के मैं सवा रुपए के पताखे चढ़ावांगा। इना विश्वास किन्ना भरोसा है गुरु से, देखो इना भरोसा है भी पहला नहीं पतासे चढ़ाने। ये नौवे सतगुरु मेरे पतासे खा के मुड़ के लाटरी ना चढ़ाए, लाटरी ना चढ़ाए मेरे सवा रुपए के पतासे भी खा जाए। और जिन्हें तेरे सवा रुपए के पतासियां की खातर लख तेन देने ते वो अपने लख रुपए चो सवा रुपए के पतासे आप नहीं लैके खा सकता, बाद चो दी माया भी बचेगी। पर इना कुछ साडा भरोसा है, असी भी व्यापार करते हैं इतने आके, जे मैं मेरी दुकान चल गई तो मैं इन्नी माया भेट करांगा, जे मेरा पुत्र ठीक हो जाए मैं इन्ने पाठ करा लवांगा, मेरा आ काम हो जाए मैं आ करा लवांगा। यह सौदेबाजी नहीं ते गुरु की है, यह शर्त है सुखना जिहड़ी शर्त है, जे तू ये करेगा तो मैं करांगा, नहीं करेगा तो नहीं करांगा, नहीं मैनू सुख देगा मैं नहीं तेरा पाठ करांगा, नहीं मेरी दुकानदारी चलाएगा तो मैं नहीं मैं तेरे दर से माया भेट करांगा, एहो जी शर्त। इथे ते तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिया पाइए, अपना तन मन धन सारा कुछ सौंपना पैंदा है, उहदे हुक्म विच दुख मिले गरीबी मिले अपमान मिले वह भी झलना पैंदा है। शर्तां नहीं इथे हुंदियां, सुखना नहीं इथे हुंदियां, इथे आपा समर्पित हुंदे। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे धियाई, जे भुख दे ही राजा दुख विच सुख मनाए। तू सुख देगा शुक्र, दुख देगा शुक्र, रजाएगा धनवाद, भुखा रखेगा तां भी धनवाद। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी, जो तेनू भांदा ना मैं समझांगा तेनू चंगा लगिया तां मेरी जिंदगी च सुख दुख आया, खुशी गमी आई, अमीरी गरीबी आई, यह तेनू चंगा लगिया। सौदेबाजी व्यापार नहीं, कहने लगे व्यापार दे दा ज्ञान नाल कोई संबंध नहीं, ज्ञान नाल गल्ले ढूंढी है, कथना करड़ा सारा इहदा कथन करना इस तरह मानो जिवें लोहा चबाना होवे, ज्ञान दा कथन करना भी इस तरह। सचमुच ज्ञान नूं शब्दां च नहीं उतारिया जा सकता, बहुत औखा है उतारना। मानो असी पानी गिलास दे विच जग दे विचों गिलास च पानी पाईए ते पानी पाउण दी जिहड़ी आवाज है, जे मैं उहनूं शब्दां च लिखना चाहवां कि इस तरह की इहदी आवाज सी उह झूठी होएगी। मैं लख नवे तो नवे शब्द घड़ लवां कि इस तरह की आवाज ही पानी पैण दी, मैं शब्द घड़ लवांगा पर असली आवाज नहीं मैं लिख के दस सकदा, अखरां च नहीं उतार सकदा। हाँ वह एक अनुभव है जिन्हें उस पानी नूं जग दे विच्चों गिलास च पैंदियां सुणिआ है, जिन्हें वह आवाज सुनी है उन्हें ही उस आवाज का पता दूजे नूं नहीं। परमेश्वर का ज्ञान ओ कथना करड़ा सार है लोहे नूं चबाण वर्गा है, जिन्हों केवल कोई जान सकता है, बयानना औखा है। कबीर जिन्हों भगत कबीर ने कह दिता सुरग नरक से मैं रहे हो सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत आर आल, मैं चरणा कमलों की मौज में आ गया। पूछे किहो जी मौज है, कहने लगे कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कह दे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, मैं किने कवां, मैं कवांगा गल अधूरी रह जाएगी, गल झूठी हो जाएगी। हां जिन्हें देखिया उन्हें पता है चरण किहो जिहे ने। जे मैं रब्बी ज्ञान नूं कलमबंद करना चाहवां ते रब्बी ज्ञान मैं कलमबंद नहीं कर सकता, लोहा चबाण वांगू है। वो सिखा खुद ज्ञानवान हो जाए, मता किसी की सुनी सुनाई ते कह दी आही ज्ञान, ज्ञान ना गले ढूंढी है, कथना करना सार। पूछे मिलता किने है, कहने लगे कर्म मिले सो पाई है, कर्म मिले ता पाई है, होर हिकमत हुक्म खुआर बख्शिश होवे ता प्राप्त हुंदे, नहीं ते हिकमत मैंने चलाकियां हुजतां दे नाल मनुख खुआर ही हुंदे भटकदा ही है। पूछे फिर नजर किने होवे, कहने लगे जे गुरु मिल जाए ना समझ लो तां ज्ञान मिल सकदा है। इस करके मत अपनी चलाकी वरती कि गुरु ने कहना बाणी पढ़ इहदे विच ज्ञान, मैं घरे बैठा पढ़ लवां गुरु की लोड़ की। कहने लगे नहीं गुरु तो बिना जिन्ना चिर रब की मेहर की नजर ना होवे गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। नजर करें जे अपनी तां नजरी सतगुरु पाया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि सदका
गुरु प्राप्त होंगे यह जीव बहुते चरम भरमिया तां सतगुरु शब्द सुनाया कहन लगे जीव कई जन्म भटकदा रहा आखिर गुरु ने शब्द नाल जोड़िया सतगुरु जीवट दाता को नहीं सब सुनियो लोक सवाया हे सारे लोको ध्यान नाल सुनो गुरु वड्डा वर्गा वड्डा दाता कोई नहीं है सतगुरु मिले सच पाया यह जरा रबी सच का ज्ञान है गुरु नु मिलिया प्राप्त होंगे ते मिलदा उन्हों है जिन्हें अपनी हौ खत्म कर दी सतगुरु मिले है सच पाया जिन्हें विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया कहने जो रब कृपा कर दे जिन्हें आपे नु समर्पित कर दिता रब की कृपा सदका गुरु मिलद गुरु सच दिया ज्ञान दे दें उस सच के ज्ञान नाल सच रब दिया जीवन दे विच रब्बी बुझार बुझी जाती है रब दे विच वो जीव अपील हो जाता है सतगुरु कृपा कर असी में गुरु वाले बन के गुरु पासो ज्ञान हासिल करके सचमुच रब्बी आनंद नू मान सकीए कल दे जीवन विच अगले विचार आरंभ हो जाएगी भुला खिमा फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।